Hi and welcome to the another episode of 10 Minutes to Achieve Wellness. We always focus on a healthier lifestyle to improve the healthy life mentally and physically in just one step at a time. Myself, Dr. Vachini Bhatt. I am Dr. Ankit Jitani, hematologist and VMT physician at Marengo SIMS Hospital, Ahmedabad. Dr. Ankit, welcome to the talk. Thank you. So today's topic is a blood cancer awareness because September month is celebrated as a blood cancer awareness month. So let's begin with the talk. So my first question is, what is blood cancer and what are the different types of that? So हमारे शरीर में खून बनाने के कई सारे कण होते हैं जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स। यस। आमतौर पे जो ब्लड कैंसर्स है इन व्हाइट ब्लड सेल्स से होने वाले कैंसर्स को हम ब्लड कैंसर के तौर पे जानते हैं। ओके। नाउ दिस व्हाइट सेल रिलेटेड कैंसर्स आर ब्रॉडली ऑफ थ्री टाइप्स। वी नेम देम ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ओके। So there are some cancers which involve the blood, which circulates in the blood and can be easily picked up by doing blood test. Okay. There are some form of cancer that happens in form of lumps, गांठों की तौर पे, गले में, बगल में, जांघों में, अलग-अलग तरह गांठों के तौर पे भी सामने आते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे भी cancers हैं जो bone pain, myeloma, जो हड्डियों में काफी दर्द, back pain के तौर पे present करते हैं। अच्छा तो ब्लड कैंसर कई सारे टाइप्स के होते हैं जैसे आपने बताया और उसका क्लिनिकल फीचर भी आई थिंक डिफरेंट रहता है। अब एग्जैक्ट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें और पेशेंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो कैसा रहेगा? सो जैसा कि मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि ब्लड कैंसर तीन प्रमुख प्रकार के होते हैं, उनके तीनों के प्रेजेंट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग, साइन सिम्टम्स भी बिल्कुल अलग होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके। There's some form of leukemia which are acute, मतलब बहुत घातक, तीव्र तरीके से सामने आता है। उन cancers में hemoglobin, platelet, white cells, इन तीनों का dysfunction हो जाता है। Okay. Hemoglobin की कमी के वजह से बहुत ज्यादा थकान, white cells के problem के वजह से बुखार, infections होना, platelet के वजह से bleeding के problem। Yes. आमतौर पे ये तीन common presentation। Exactly. Chronic leukemias जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने वाले cancer होते हैं। कई समय तक आपके शरीर में बिना किसी ज्यादा साइन सिम्टम्स के पड़े रहते हैं। कॉमनली उनका प्रेजेंट करने का तरीका, आप खाना खाने की आपकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाना, पेट का बहुत जल्दी भर जाना, थकान लगना, दर्द होना, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। दूसरा जो प्रमुख कैंसर है लिम्फोमा। लिम्फोमा इज अ कैंसर ऑफ ब्लड बट इट प्रेजेंट्स लाइक अ सॉलिड ट्यूमर, इट प्रेजेंट्स इन फॉर्म ऑफ लम्प्स। ये सारे लम्प्स हमारे आमतौर पर इन द नेक रीजन, इन द एक्सिला, इन द ग्रॉइंस, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, कई बार इन सारे ऑर्गन्स के अलावा दूसरे हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स को भी लिम्फोमा इन्वॉल्व कर सकते हैं। लिम्फोमा भी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बेस्ड ऑन द टाइप्स द प्रेजेंटेशन कैन बी स्लाइटली डिफरेंट। बुखार आना, वजन का घटना, रातों को बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सारे भी लिम्फोमा के सिम्टम्स होते हैं। थर्ड कैंसर इज माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा इज वन कैंसर विच वी आर पिकिंग अप मच मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू डू। ओके। माइलोमा का सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है बॉडी एक, शरीर में दर्द, बैक पेन, वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। ओके। बैक पेन में ऑर्थोपेडिक के साथ हेमेटोलॉजिस्ट को भी दिखाना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली। माइलोमा आमतौर पे फोर्थ फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ से होना शुरू होता है। हमारे देश में मैंने अपने करियर में 14 साल के बच्चे में भी देखा है। इसके अलावा माइलोमा में खून की कमी, अनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, किडनी में असर होने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, इन्फेक्शंस का होना। सो बेसिकली माइलोमा इज अ कैंसर ऑफ दोज ब्लड सेल्स विच हेल्प अस इन फाइटिंग इन्फेक्शन। सो उनका कैंसर होने के वजह से द बॉडी बिकम्स वेरी प्रोन टू कैच इन्फेक्शन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस कंडीशंस अर्ली बिकॉज इफ वी आर एबल टू डू सो द ट्रीटमेंट इज वंडरफुल। Exactly. और जो भी आपने क्लिनिकल पिक्चर्स अभी बताए या फिर साइन एंड सिम्टम्स, दोस आर वेरी वेक सिम्टम्स, मतलब कभी हमको रूटीन में भी ऐसा लगता है कि नहीं थकान लग रही है या भूख कम हो गई है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ऐसा इमेजिनेशन में भी नहीं आया कि इट माइट बी अ कैंसर, राइट? अगर कॉजेज की बात करें डॉक्टर अंकित, ये सब कैंसर्स की, तो कॉजेज क्या क्या रहता है? सो ब्लड कैंसर के अगर आप डेफिनेट कॉज पूछो तो शायद मैं बैड लक के अलावा और कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा। There are certain genetic change जो हमारे बॉडी में जन्म के बाद होते हैं, जिनके वजह से the cells start multiplying at a rate which is not usual. So majority of the blood cancer are because of this reason.
सो अदरवाइज लाइफस्टाइल की चीजों का बहुत ज्यादा असर नहीं होता, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। सॉलिड ट्यूमर में ज्यादा होता है, ब्लड कैंसर में। पर एक फियर मैंने हमेशा सोसाइटी में देखा है कि अगर पेरेंट्स को या तो किसी को है कैंसर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। सो ब्लड कैंसर में जनरेशनल इश्यूज कम होते हैं। इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन प्रीडिस्पोज इन कॉजिंग ब्लड कैंसर्स in the family, okay. But it is the association is not as good as what we know about other breast cancers. Exactly. So ये risk इतना ज़्यादा नहीं होता. In fact, blood में cancers के अलावा भी कई सारे बीमारियाँ हैं जो genetic है. उन बीमारियों का वंशगत होना, generational होना is very common, like thalassemia, like sickle cell anemia, hemophilia, etc. तो उसमें ज़्यादा chances है, risk factors है. Okay. Diagnosis की बात करें तो वो किस तरह से रहता है? सी ब्लड कैंसर का पता लगाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड कैंसर्स में सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है उसी में कैंसर्स के कण दिखते हैं। सो टेस्टिंग देम इज प्रीटी इजी। एक निडल डाला, सैंपल निकाला और अगर एक एक्सपर्ट हीमेटोपैथोलॉजिस्ट के पास आप टेस्ट कराओ तो ही कैन पिक अप, इट्स क्वाइट सिंपल। कॉन्फर्मेशन के लिए वी नीड टू डू मोर, मच मोर टेस्ट्स। ओके। One common test that we do is a bone marrow test. Bone marrow is a daycare procedure. Patient aata, it is a 5-10 minutes procedure. We take some sample out for the bone marrow and we subject the sample to various kind of tests, including DNA and genetic tests. Okay. That helps us in identifying the cancer. Other than that, there are certain blood tests that we need to do. And also I told you ki lymphoma ek aisa cancer hai jo gaanthon ke taur pe hota hai. So sometimes ब्लड जब इन्वॉल्व ना हो तो उन गांठों को बायोप्सी के जरिए निकाल कर हम टेस्ट करके वी कैन कंफर्म, ताकि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं, वी कैन डिफरेंशिएट। राइट। अगर ट्रीटमेंट की बात करें ब्लड कैंसर की, तो इज इट क्योरेबल, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो वही रहता है। सो ब्लड कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्लड कैंसर हो गया मतलब ये तो डेथ सेंटेंस। पुराने जमानों के मूवियों में भी दिखाया जा रहा था ऐसा, आनंद लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ था उस मूवी में, राजेश खन्ना साहब। आज उस कैंसर को हम लिम्फोमा के नाम से जानते हैं और वो क्योरेबल है। अच्छा। So, अगर मैं बात करूं तो आज के दिन हर तरह के ब्लड कैंसर का बहुत अच्छा इलाज पॉसिबल है। यहाँ तक कि अगर बॉडी के हर कैंसर्स की हम बात करें तो ब्लड कैंसर का आउटकम इज वन ऑफ द बेस्ट। रियली? क्योंकि ब्लड कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। देयर आर सर्टेन ब्लड कैंसर व्हिच आर ट्रीटेड ओनली लाइक विद मेडिसिंस, ओरल मेडिसिंस, लाइक वी ट्रीट डायबिटीज और फॉर दैट मैटर ब्लड प्रेशर। सो देयर आर पेशेंट्स हु आर टेकिंग अ टैबलेट फॉर लास्ट 20 इयर्स, दे आर पेशेंट्स ऑफ ब्लड कैंसर, सर्वाइविंग जस्ट बाय वन ओरल पिल। इसके अलावा और कई किस्म के ब्लड कैंसर्स होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बहुत कम केसेस में रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, और एक स्पेशल प्रोसीजर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि अभी इंडिया में कॉमनली होने लगा है। एंड देयर इज अनदर इवॉल्विंग थेरेपी कॉल्ड कार टी सेल थेरेपी। वी एट मैरिंगो सिम्स आर एम्पैनल्ड टू डू कार टी सेल थेरेपी। इन सारे मॉडलिटीज से ब्लड कैंसर का इलाज इज सो गुड दैट वी टॉक अबाउट अ क्योर रेट रेंजिंग फ्रॉम 40-50% to 90%, depending upon the type and the fitness of the patient. Okay, Dr. Ankit, हमने ऐसा सुना है जब भी कैंसर की बात होती है तो ट्रीटमेंट एंड द सर्वाइवल रेट इज टोटली डिपेंड अपॉन द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। तो ब्लड कैंसर में भी ऐसा रहता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, एंड एज इट इज अ साइलेंट डिजीज सो कॉल्ड। सो सी ब्लड कैंसर, ब्लड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी। सो इफ द ब्लड इज इन्वॉल्वड, स्टेज हार्डली मैटर्स। सो अगर गांठों के तौर पे कैंसर आता है उसमें हम स्टेजेस की बात करते हैं। अदरवाइज जो कैंसर ब्लड को इन्वॉल्व करता है, वी टॉक अबाउट रिस्क ग्रुप्स। हम डीएनए के टेस्ट्स और कुछ ब्लड टेस्ट के आधार पे वी ट्राई टू फाइंड आउट इफ द कैंसर इज अ स्टैंडर्ड रिस्क, इंटरमीडिएट और अ हाई रिस्क कैंसर। वी डू नॉट हैव स्टेजिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड कैंसर एक्सेप्ट लिम्फोमा। Okay, okay. So thank you so much for joining us and sharing these beautiful tips regarding blood cancer with us. Thank you so much.